विमेन पुलिस स्टेशन सेफ सिटी के ऑफिस मरियम नवाज ने विमेन्स के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अब हमारे घर की माएं बहनें जो कि अपने आप को इनसिक्योर फील करती थी, अब वो सेफ फील करेंगी। अब तक तकरीबन 15,000 केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो चुके हैं। 15 पे जब आप कॉल करेंगी तो 2 प्रेस करके आप हमसे रابطہ कर सकती हैं। हमारे साथ इंचार्ज यहाँ की सीनियर मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी, उनसे जानूंगी। वालेकुम अस्सलाम, मुझे बताइएगा किस तरह से ये स्टार्ट लिया और क्या सोच के लिया और किस तरह से इस पर काम किया जा रहा है। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाने का मकसद ये था कि हमारी खवातीन को बेजा पुलिस स्टेशन के चक्कर ना लगाने पड़े, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था कि हमारी खवातीन अपनी शिकायत अपनी नोट करवाना तो चाहती हैं, लेकिन वो पुलिस स्टेशन जाने की जो हैसल है या जो उनकी हेजिटेशन है उसको दूर करने के लिए, उस मसले को हल करने के लिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया गया 22 अप्रैल 2024 को CM साहिबा की जानिब से। और बनाने का मकसद भी ये था कि हमारी खवातीन बेजा पुलिस स्टेशन के चक्कर ना लगाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 15 कॉल के जरिए से हमसे रابطہ कर सकती हैं। 15 पे जब आप कॉल करेंगी तो 2 प्रेस करके आप हमसे रابطہ कर सकती हैं। अगर आप नहीं भी करती 2 प्रेस, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है और इस टेक्नोलॉजी के जरिए से जब आप बोलती हैं तो आपकी आवाज़ से भांप लिया जाता है कि ये मर्द है या औरत है, तो उस सूरत में आपका केस अल्टीमेटली हमारे पास ही आता है। इसके अलावा आप हमारी जो वुमेन सेफ्टी ऐप है इस एप्लीकेशन के जरिए से भी आप हमसे रابطہ कर सकती हैं। इसके साथ साथ पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का एक पोर्टल मिलेगा, उस पोर्टल के जरिए से भी आप हमसे रابطہ कर सकती हैं। यूँ समझ लीजिए कि हमने आपको मल्टीपल ऑप्शन दे दिए कि जिस तरीके से भी आपके लिए फिजिबल है आप हमसे رابطہ कीजिए, अपनी शिकायत नोट करवाइए ताकि आपके मसले को जल्द से जल्द हल किया जा सके। अब तक कितने मसले, नो डाउट आपको डिजिट याद नहीं होंगे, लेकिन अब तक कितने जो मसले हैं वो हल करवाए जा चुके हैं और किस तरह से सॉर्ट आउट करवाए जा चुके हैं, और ज़्यादा जो केसेस हैं वो किन जगहों पे हुए हैं? अभी तक हमारे पास 22 अप्रैल 2024 से लेके अब तक तकरीबन 15,000 केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें मुतअद्दद FIRs भी हो चुकी हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जिनके चलान सबमिट हो चुके हैं। और इस वक्त अगर मैं आपको बताती चलूँ कि कितने केसेस ऐसे हैं कि जिनकी सुलह सफाई हो चुकी है या जिनका मसला हल हो चुका है, वो तकरीबन हमारे 10,000 केसेस ऐसे हैं कि जिनमें हमारी खवातीन के मसाइल को हल किया जा चुका है। जो ज़्यादा केसेस हैं वो कहाँ पर हुए गए हैं, कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस रेज किए गए हैं ये वाले? कि जितने बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनको, क्योंकि अवेयरनेस का इसमें बहुत ताल्लुक है, इसमें बहुत गहरा ताल्लुक है कि अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उन जगहों पे केसेस को रिपोर्ट किया जाता है कि अब कोई ऐसी दुहाई नहीं होगी कि जिसे सुना ना जा सके, अब कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है कि जिसकी कोई दादरस ही ना हो सके। देखिए, अगर कहीं पर सुलह सफाई हो गई है, कहीं पर माफ़ी तलाफी हो गई है, तो उसका ये राइट है कि वो अपनी कंप्लेंट को वापस ले लें, क्योंकि यहाँ पर जितना कुछ हो रहा है पंजाब पुलिस के ताबुन के साथ हो रहा है। अगर हमारी विक्टिम अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कुछ पूछना चाहती है तो वो भी पूछ सकती हैं, और हर चीज़ यहाँ ऑन द रिकॉर्ड होगी। अब मुझे ये बताइएगा कोई टाइम लिमिटेशन कि आप इस टाइम अपनी कंप्लेन रजिस्टर नहीं करवा सकते, कोई टाइम लिमिट है आपका कि 24 आवर्स आप यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन 24 घंटे काम कर रहा है। हमारे यहाँ पे जो फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं ये आपको 24 घंटे यहाँ पे मिलेंगी। अगर कोई कंप्लेन आती है तो ये किस तरह काम करते हैं, क्या आप मुझे दिखा सकती हैं? आपने हमें जिस मर्जी तरीके से आपने हमसे रابطہ किया, 15 कॉल हो गया, वुमेन सेफ्टी ऐप हो गया, चैट हो गया, जैसे भी आपने हमसे रابطہ किया, रابطہ करने के बाद VPS में आपका केस आ गया, फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपका वो होगा जो पुलिस मौके पे जाती है, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है। ठीक है, पुलिस मौके पे पहुंची है कि नहीं पहुंची, हम अपने विक्टिम के साथ भी रابطے में रहते हैं और हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के साथ भी रابطے में रहते हैं। अगर हमारे विक्टिम या हमारी खातून ये कहती है कि मुझे एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, तो उस सूरत में पुलिस के तआवुन के साथ उसी जगह पे उनकी एप्लीकेशन को सबमिट किया जाता है। यूँ समझ लें कि अब थाने जाकर जो एप्लीकेशन दे रहे थे ना, अब वो नहीं देंगे, वो आपके घर में चल के, क्योंकि पुलिस आ चुकी है, वो आपसे एप्लीकेशन लेंगी, जाके अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके हिसाब से उसको ई-टैग्स लगाया जाता है, जो उनके प्रोसेस है। ये जो आप सामने केसेस देख रहे हैं, हर केस में उसकी जितनी भी डिटेल्स है वो मेंशन की जाती है। ये डेली बेसिस पे चेंज होता है? बिल्कुल, डेली बेसिस पे नहीं, इनफैक्ट हर मिनट में चेंज हो रहा है। अच्छा, हर केस पे जितने केसेस पे काम हो रहा है वो सारे यहाँ पे आपको ये लाइव सब कुछ नजर आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा खवातीन को इंसाफ मिल सके, उनकी दादरसी हो सके, उनके मसाइल को हल किया जा सके। यकीनी तौर पे तमाम इदारे मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये तब तक मुमकिन ना होगा जब तक हमारी खवातीन जो है वो इसमें हम कंट्रीब्यूट ना करें। ठीक है, हमारी खवातीन खसूसी तौर पे हमारी बच्चियां जो हैं जो दूसरे अजला से आती हैं पढ़ने के लिए या उनकी जॉब के सिलसिला में किसी भी वजह से वो आती हैं, उसके बाद उनके लिए मजबूरी है कि उन्हें हॉस्टल्स में भी रहना है, उन्हें कहीं पर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहना है, डिफरेंट सिनेरियोज हो जाते हैं, सिचुएशन आ जाती हैं। ठीक है, उस सूरत में अगर आप खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल में मुबतला है कि जहाँ पे आप बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, 15 पे तो आपको बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर आप बोल नहीं सकते तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लाइव चैट, वुमेन सेफ्टी ऐप में लाइव चैट का फीचर मुतारफ करवाया गया है। इस फीचर के जरिए से
आप लाइव चैट के जरिए से आप हमसे रابطہ कर सकती हैं। इसके साथ साथ वीडियो कॉल का ऑप्शन भी मौजूद है। आपको यहाँ पे हर सिस्टम में कैमरा नजर आएगा, हर सिस्टम के ऊपर। अब यहाँ पे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खवातीन मौजूद हैं, आपकी सिक्योरिटी को, आपकी प्राइवेसी को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए ये सारा जो निज़ाम है, यह सारा यूँ समझ लें इस इदारे का या इस यूनिट का इफ्तिताह किया गया ताकि खवातीन के मसाइल को हल किया जा सके। मुझे ये बताइएगा, कुछ खवातीन होती हैं जिन्हें नहीं पता, घरेलू खवातीन होती हैं, घर पर रहती हैं, उनको इस ऐप के बारे में नहीं पता होगा, उन तक ये ऐप किस तरह पहुँचाई जाए, उनको इस ऐप के बारे में किस तरह अवेयर किया जाए, उसके लिए भी कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे मीडिया डिपार्टमेंट है जिसका जो काम है, जो वर्किंग है, वो या उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस डिपार्टमेंट के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे। इसके साथ साथ डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स, जैसे आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, इसी तरह से बाकी जो चैनल्स हैं उनके जरिए से भी वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन के बारे में लोगों को बताया जा रहा है।